हाँ हेलो। हाँ हेलो। इतनी देर क्यों हो गई है फोन उठाने में? क्या बात होगी? कुछ नहीं, मैं पीछे के रूम में थी इसलिए। बोलो, क्यों कॉल किया तुमने? बस ऐसे ही कॉल किया। आप उस दिन परेशान कर रहे थे मेरे को, और परेशान हो भी रहे थे शायद, कि शादी हो गई है और मुझको मतलब मेरे से बात क्यों नहीं करते हो। इस तरीके का आपने मेरे से पूछा था, है ना? हाँ, पर तब तुमने मुझे कहा था कि मुझे कॉल मत करना, मेरी वाइफ है, ये है, मुझसे बात मत करो, मेरी वाइफ को ये लगेगा कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। तो मैंने फिर तुमको कॉल किया भी नहीं है। हाँ तो कॉल करोगे भी नहीं ना, क्योंकि मैंने अब क्लियर कर दिया था मेरी वाइफ है। हाँ तो पर आज फिर तुम्हारा क्यों आया, जब मैंने कॉल तुमको किया नहीं है, मैसेज तुमको किया नहीं है? देखो आज मेरी, करीबन 2 महीने हो गए इस बात को कि जब मैंने तुमको कॉल किया था और फिर तुमने आज मुझे किया। मेरी वाइफ ना वो बाहर गई हुई है। मैं बोर हो रहा था, मैं सोच रहा था किसको कॉल करूं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको ही कॉल कर लेता हूँ। और वैसे एक बात बताना, क्या? इस 2 महीने, जैसे आपने मेरे को 2 महीने पहले कॉल किया, इस 2 महीने में मेरी याद नहीं है फोन करने के लिए? नहीं, क्यों नहीं आई? तो फिर कॉल ही क्यों किया था मुझको? याद दिलाने के लिए, नंबर देने के लिए, मेरे को तड़पाने के लिए? इस वजह से नंबर दिया, इस वजह से कॉल किया? पहली बात तो ये कि कॉल किया था तो तुमने मुझे रीजन बताया, वो रीजन मुझे वैलिड लगा, इसलिए मैंने तुमको कॉल नहीं किया। मुझे करना था फिर भी मैंने नहीं किया। चलो मान लो ना, मैं सच्ची बोल देती हूँ कि मुझे करना था, मैंने फोन उठाया भी, मुझे डायल करने भी गई, पर फिर सोचा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया तुमको मैसेज या नहीं किया कॉल। और पहली चलो बात तो ये कि तड़पने की बात आती नहीं है इसमें। तुम्हारी तो शादी हो गई है तो तुम क्यों तड़पोगे? तुम्हारी वाइफ तुम्हें अच्छा प्यार करती है तो तुम क्यों? तो ये तो बोलो ही मत। चलो, एक बात ये भी बोल देता हूँ कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने तुमको उस टाइम झूठ बोला था, वो भी गुस्से में आके। तो फिर क्या करोगे आप? ऐसा झूठ ना किसी और को बताना। एक बात बताऊँ, क्या? सच में सच में सच में मेरी शादी नहीं हुई है। उस टाइम इतने गुस्से में था, मतलब इतना दिमाग खराब था, कहाँ से कॉल आ गया आपका? ऐसे कभी आपने कॉल नहीं किया, आज आप कॉल कर रहे हो, वो भी 7 साल बाद। तो इंसान को तो तब गुस्सा मैंने तो तुमको आएगा ना। रीजन भी बताया था जो कि वैलिड था। तो मेरा ये जो शादी वाला जो मैंने बताया, वो भी नॉट वैलिड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अच्छी बात है ना, सिंगल हो तो। इस 7 साल में पता नहीं चला ये टाइम कैसे कट गया, रो रो के। मतलब बहुत आंसू है मेरे, बहुत ज्यादा। यही तो प्रॉब्लम है, लोगों को सिर्फ अपने ही आंसू दिखते हैं ना। सामने वाले की क्या मजबूरी है, क्या है, सामने वाले की तरफ से कभी किसी को देखना ही नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो प्रॉब्लम यही थी कि ना तो हम एक दूसरे को देख सकते थे। हाँ, हम कॉल पे बताते कि हम ठीक है, पर हम ठीक होते नहीं है। 2 मिनट के मैं तुम 10 बार पूछो तो भी मुझे रीजन, मैं यही कहूंगी कि नहीं है। पूरे दिन में एक बार कॉल आएगा तो मैं तुमको अच्छा ही बोलूंगी ना, मैं तुम्हें थोड़ी ना बुरा बोलूंगी कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। वैसे इतना चिल्ला क्यों रहे हो और मेरे को क्यों सुना रहे हो ये सब? गलती तो आपकी है, वो भी मानते हो, मैंने मान ली थी ना, तो फिर तो क्यों फिर सुना क्यों? रहे हो? क्यों मतलब पुरानी बातें याद दिला रहे हो? पुराना ही तो है सब कुछ। तुम पुराने हो, मैं पुरानी हूँ, तो बातें पुरानी है भाई। रीजन भी हम दोनों की लड़ाई का पुराना ही है, तो बातें तो पुरानी निकलेगी। नया है तो सिर्फ ये तारीख और डेट, सॉरी, दिन और तारीख। वैसे जी शादी बोलिए। वगैरह के लिए नहीं सोचा कुछ आपने कभी? मुझे नहीं करनी थी, क्यों? मुझे कोई करनी थी तो किसी और के साथ नहीं करनी थी। रीजन मतलब क्यों नहीं की? और
क्यों किया बता सकते हो? चंगे, मुझे किसी और पे अब ट्रस्ट ट्रस्ट रहा नहीं है, ट्रस्ट और कोई आ गया, मतलब और किसी ऊपर करने लगे हो। कोई आ ही नहीं गया, वो इस जिंदगी में शायद न्यू पर्सन आ गया। कोई नहीं है। वैसे मैं ना आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी चुपके चुपके देखता था, और मेरे से झूठ मत बोलो, मैंने आपको देखा है किसी लड़की के साथ, वो भी थिएटर में बैठ के मूवी देखते हुए। वो लड़का कौन है बताए तुमको? तो लड़का पता है तभी कौन है मैंने, पता है? लड़का है वो पता है, पर कौन है वो पता है? क्या लगता है मेरा, कौन है वो पता होगा है तुमको? कोई मतलब बीएफ होगा, फिर बीएफ ही होगा और क्या। थिएटर पे वो कोने वाली सीट पे और हाथ पकड़ के कोडिंग वगैरह लेके, तो बीएफ ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई कोने वाली सीट पे बैठेगा। कोने वाली सीट पे तो सिर्फ कपल्स बैठते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? थिएटर वालों ने लिख के दिया है क्या कि हमारे थिएटर में कोने वाली सीट साले कपल के लिए होती है? आप भूल गए? ऐसी हमने थियरी बनाई है, ऐसे होते नहीं है कुछ भी। आप भूल गए 4 साल पहले हम लोग उसी कोने वाली सीट में बैठ के बहुत कुछ किया। याद आया? आया याद? इस वक्त तुमने मुझे लड़ाई करने के लिए फोन किया है या फिर तुमने मुझसे बात करने के लिए फोन किया है? मैं सब कुछ सॉल्व करने के लिए फोन किया। तो पहली बात तो ये कि ना है वो लड़का मेरा बीएफ है, ना कोई और ना ही वो मेरा दोस्त है, तो फिर वो कौन है? मेरा कजन है। वो तो कजन है तो क्या उसको मतलब इंसान किस करेगा, हाथ पकड़ेगा वो जब तुम लाइब्रेरी। पागल हो क्या? कौन किस करता है अपने कजन को? बोलो, आप क्या पता, आप मेरे से झूठ बोल रहे हो? मेरे को क्या पता, पहले भी झूठ बोल चुके हो और अभी भी झूठ बोल रहे हो। मेरे को क्यों पागल समझ रहे हो? मैं सब कुछ जानता हूँ, एक एक बात जानता हूँ, एक एक बात मतलब नोटिस करके बैठता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। अक्सर इंसान वही याद रखता है जो उसे याद रखना होता है। हाँ वही तो याद किया मैंने, ना मानो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपका थिएटर वाला वीडियो मैं भेजूँ, भेज दूंगा अभी, देख लेना। जैसे ठीक आपने है, किस भेज करी, किस देना। करी, हाथ पकड़ा और भी कुछ बहुत कुछ क्या, हम नहीं बता सकते फोन पे। वो सब किया, वो सब मैंने स्टोरी पे डाला था। स्टोरी पे नहीं, फोटोज वो डाली है, डाला था क्या? क्या क्या किया वो? स्टोरी पे फोटोज डाली है साथ में, वो भी हाथ पकड़ के। उसमें आई थिंक माई लव ऐसा कुछ लिखा था, और जो मैंने वीडियोस बनाया उसमें बहुत कुछ कर रहे थे आप। पहली बात तो ये कि वो बात जलाने के लिए थी, ना तो तुमको जलाने के लिए नहीं थी, जो दूसरा था ना उसको जलाने के लिए थी। अब हम दोनों के बीच में अब दूसरा कौन आ गया? जो भी था, जब तुमने मुझे मतलब तुमने नहीं, आई थिंक मेरे ही गलती से मैंने तुमको छोड़ा था। मैं जिसके लिए छोड़ा था उसी को जलाने के लिए, और आज तक तुम चाहो ना तो मैं उसका नंबर भी दे सकती हूँ, उसकी शादी हो गई है। मुझको क्या पता, लोग तो स्टार्टिंग से झूठ बोलते आ रहे, क्या पता ये भी झूठ हो। तो कर लो कॉल, नंबर भी है, उसकी मैं क्यों स्टोरी करूं भी है, कॉल, उसके वाइफ मैं के क्यों साथ करूं उसकी फोटो कॉल, भी है, मैं उसकी क्यों शादी करूं में भी कॉल? मैं गई हूं। हाँ शादी में तो जाओगे, वैसे भी भुक्कड़ हो, पहले भी भुक्कड़ थे, मेरे को लग रहा है अभी भी भुक्कड़ हो, क्योंकि अपनी एक्स की शादी में आप खाना खाने जा रहे हो, तो इसका मतलब मेरा एक्स नहीं है, एक्स नहीं तो बीएफ है। क्या पता शादी के ना बाद ही भी अफेयर वो। चल रहा हो, अभी भी जाते हो उसके लिविंग मतलब लिविंग में रहते होगे उसके साथ। बच्चा है उसका, आजकल का तो यही है ना, 2 बच्चे हैं तो उसके बाद भी एक सौतन है। तुम एक काम करो, तुम फोन काटो, जाओ। तुमको क्यों फोन काटू, जो क्यों सोचना है फोन वो कट कर, सोचो तुम। क्यों मुझे फोन कट तुमको कोई करू? एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी ना, हाँ मुझसे हो गई गलती, मैंने मान लिया कि मैंने तुमको किसी के लिए छोड़ा था, पर जरूरी नहीं है कि उसके बाद मैं जो भी करूं वो सब ना सही हो।
मैं तुमको सही भी बता रही हूँ, तुमको गलत लगने आई, मैं मेरे को तुमको तो गलत क्लियरेशन दे लगेगा रही हूँ। ही, गलत मैं लगेगा ही। इंसान है, सामने से झूठ बोल रहा है, सामने से बिल्कुल झूठ बोल रहा है। फिर मैं तुमको क्लियरेशन देने के लिए मैं उन चीज का नंबर देती हूँ, मैं तुमको बोलती हूँ कि देखो उसकी आईडी में जाके, तो तुमको कुछ देखना होता नहीं है। मैं क्यों तुमको देखूं, वहां मैं भी क्यों देखूं? दो बच्चे के बाप को मेरे साथ अफेयर कराना है तुमको, तो कराओ। तुम्हें जो सोचना है तुम फोन काटो। मैं नहीं फोन कट कर रहा, फोन कट करना है तो आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं कट कर रहा। लो, इस लड़की ने सच में काट दिया फोन।